नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बाइसिस्कोप। हम लोग अभी बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खड़े हैं और चुनावी सफर यहां चल रही है। प्रत्याशी लोगों को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ जनसंपर्क और रैलियां कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में आगामी 13 नवंबर को मतदान होना है और इस चुनावी सफर में हम लोग अब जानेंगे कि मतदाता किन्हें अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो चलिए जानते हैं, आप लोग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को चुनाव है, कैसे प्रत्याशियों को देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं। कैसे प्रत्याशियों का चयन करेंगे इस बार? जो सबको ही देगा हम लोग भी देंगे। क्या विकास हुआ है आप लोगों के क्षेत्र में? बहुत अच्छा हुआ है। क्या, जैसे क्या बोल, विकास में क्या हुआ? आप रहते कहाँ हैं? तिमलीगाछ पंचायत में क्या विकास हुई? जल मीनार हुआ है, लाइट हुआ है। और क्या रह गई बात? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? इससे संतुष्ट हैं आप घर के काम से? तो नहीं है, लेकिन क्या करें, इससे ज़्यादा काम कहीं मिलता भी नहीं है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। तो क्या विकास कार्य हुए हैं आप लोगों के क्षेत्र में? विकास यही ये काली मंडप मंडप का तो बहुत पुराना था, तो उसको ठीक से भी कभी करके बनाया गया, टाइल शीट लगाया गया, यही रोड का पास हुआ था पता नहीं। क्या अधूरा कार्य रह गया आप लोग का गाँव? तो अभी कुछ नहीं रहा अधूरा कार्य। कैसा लोगों को प्रत्याशी चुनेंगे? आप लोग के सामने कांग्रेस के अंबा प्रसाद हैं और अब की बार जो है आंसू के जो रोशन लाल चौधरी थे वो अब आ गए हैं भाजपा में, भाजपा का टिकट से खड़ा है बड़का गांव क्षेत्र से। तो कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे और या कोई अन्य विचार में आप लोगों के हैं? नहीं, अबकी बार भी तो नहीं मिलना चाहिए अंबा प्रसाद के लिए, पहले छत नहीं मिलना चाहिए। क्या काम अंबा प्रसाद काम कर रही हैं आप लोग? हाँ, हम लोग अच्छे क्षेत्र में काम हुआ है। इस वक्त मैं पटेल नगर में स्थित हूँ। ये पटेल नगर का बाजार क्षेत्र है, ये मुख्य सड़क है भुरकुंडा सियाल का। और यहाँ हमारे बीच जो हैं, यहाँ मतदाता हैं और मतदाता कहिए या फिर यहाँ ये कारीगर कहिए मौजूद हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे कि इस बार कैसी हवा चल रही है भुरकुंडा में, तो कितना विकास हुआ, क्या हवा है इस बार? विकास तो अपना जगह पर तो ठीक है, कहीं कहीं गलत तो होता ही है, कोई मायने नहीं रखता। कितना बदलाव देखे अभी तक अपने भुरकुंडा में? बदलाव बहुत बदलाव हो गया है। कितना रोजगार का या आप लोग का जो दुकानदारी है वो किस तरह से चल रहा है? दुकानदारी सबका लगभग जो है कभी कम बेसि होता ही रहता है, सब में जो है क्या होगा कि क्या कुछ हो रहा है। या कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं भुरकुंडा में रहते हैं, यहाँ लादी बस्ती में रहते हैं। क्या विकास हुआ है आपकी बस्ती में? क्या विकास? विकास ऐसा कुछ नहीं है, बस रोड तो अभी तो जर्जर है ही है और बन ही मल्ला है। केवल सड़क की ही समस्या है क्या, और कुछ और समस्या है? सड़क की समस्या है, आदमी को क्या चाहिए, बाकी बात अपना बजट का निकाल लेता है। और यहाँ सुनती में जैसे काम काज में से बकवास में मिलता है, तो बालू वालों का भी समस्या बहुत ज़्यादा ही रहता है यहाँ पर। और कैसे प्रत्याशियों को चयन करेंगे आप लोग के सामने? यहाँ कांग्रेस के अंबा प्रसाद भी मैदान में हैं और अब की बार जो है आंसू से रास्ता बदल कर भाजपा में आ गए, यानी कि एनडीए के ही प्रत्याशी हैं रोशन लाल चौधरी। इसके अलावा और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो क्या देख रहे हैं आप लोग? एक बात तो, रोशन लाल चौधरी को तो मौका मिलना ही चाहिए, चार साल से बड़ा हुआ है, कहीं सबका मौका मिलना चाहिए एक बार, और हम लोग चाहते हैं कि एक बार उसको मौका मिला जाए। क्या नाम? मेरा मनोहर कुमार। क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ यहाँ पर पटेल नगर का। भुरकुंडा बाजार में हूँ और यहाँ नींबू बेच रहे हैं हमारे चचा जो हैं, उनसे हम लोग बात करें कि चुनावी माहौल में इनका क्या रुख है।
कैसे देख रहे हैं झारखंड विधान सभा का चुनाव? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो कैसा किन क्या विकास हुआ, कहाँ रहते हैं हम? एक बार ऊपर थोड़ा रहते हैं। क्या विकास हुआ आपके गाँव में? हो रहा है विकास, हो रहा है। तो कैसे अब इसकी अब की बार जो है क्या हेमंत सरकार आ रही है कि क्या बदलाव होगी? देखिए अभी कोई बता नहीं सकता है, लेकिन अभी सबका टक्कर है। टक्कर है जी जी, सबका टक्कर है। तो आप लोगों के यहाँ किनके किनके बीच टक्कर है? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंबा प्रसाद या NDA प्रत्याशी? अंबा प्रसाद अभी चल रहा है। और क्या कोई विकास अधूरा कुछ रह गया? कुछ नहीं, सब सब। क्या नाम है MB चौकी घंटारी? हमारे बीच जो है टेक्कर स्टेट धुरकुंडा में ही वाहन चालक हैं, वाहन चलाते हैं और प्रतिदिन सवारियों को बड़का गांव क्षेत्र से भुरकुंडा स्टैंड लेकर के आते हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि इनके मन में क्या है, क्या विकास हुआ अब तक या क्या विकास अब बाकी है, तो बताएं क्या विकास अब तक हुआ? अभी तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो क्या विकास बाकी आपके नज़र में? बहुत ऐसा चीज़ है कि आपको लोकल का ये कंपनी वहाँ खुला हुआ है लोग बड़का गाँव में, तो लोकल का एक भी नहीं ले रहा है, सब खाली बहरिया को ले रहा है। तो आपका घर आखिर में है कहाँ पे? बड़का गाँव। बड़का गाँव, खास बड़का गाँव। तो वहाँ भी जो है बाहर के लोगों को रोजगार मिले, बाहर के लिए। और क्या वहाँ पे विकास का भी बाकी? विकास बहुत ऐसा बाकी है। सरकार का क्या क्या योजना का लाभ मिल पा रहा है? बहुत कहाँ है, जो है सरकारी लाभ वही थोड़ा मोड़ा मिलता है सबको। तो आप लोग जो चर्चा आप लोगों का चालक का तरह का कमाने खाने का जो चर्चा है, तो इससे आप लोग संतुष्ट हैं कि और कुछ आपको सरकार से सहयोग मिलना चाहिए? हम लोग को सहयोग मिलना चाहिए। क्या हम लोग मान के चलिए कभी गाड़ी आता है कभी नहीं आता है, गाड़ी इतना ज़्यादा गाड़ी हो गया है कि मान के चलिए वो परमिट वाला गाड़ी दुनिया भर से चल चुका है। हम लोग रोड बनाए हैं अपना हिसाब से, हम लोग रोड जमाए समझ लिया छोटा गाड़ी का, और अभी देखिएगा कि यहाँ से बड़ा गाड़ी परमिट वाला चलता है। तो आप लोग का वहाँ पे कैसा सड़क है बड़का गांव में, यहाँ से जो सवारी लेकर जाते हैं? रोड तो बढ़िया है, रोड तो खराब नहीं है। तो आने जाने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो रोजगार में क्या परेशानी आ रही थी गाड़ी? रोजगार में ही परेशानी है, किसी को जो मान के चले गरीब आदमी जो है उसका नौकरी वहाँ पर नहीं लग रहा है, बाहर बाहर से आके पैसा लेके लोग लग रहा है वहाँ पर, ये समस्याएँ वहाँ। तो वहाँ के मौजूदा जो पहले विधायक थे और जो अब तक और चुनाव जो हो रहा है, जो और भी विधायक प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, तो क्या आप लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं कि क्या चीज़ के मूड में? अब देखिए ये तो पब्लिक ही बदलाएगा। आप भी मतदाता हैं? आप हम मतदाता हैं तभी नहीं बदला सकते हैं कि हम इसमें देंगे नहीं देंगे। तो मतलब अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों का कमी है, जो परेशानी है, तो बदलाव होना चाहिए। तो क्या विकास हुआ यहाँ तक, क्या समस्याएं हैं कुछ ऐसा कुछ आप लोगों के पास बात है? सर समस्या तो यहाँ सिर्फ आगे नहीं, जो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम था लाइट का, मार्केट में थोड़ा सा लाइट वगैरह का थोड़ा सा सुधर गया है। और यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या माहौल है? शिक्षा यहाँ, शिक्षा का माहौल तो थोड़ा सा और सुधरना चाहिए, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा सुधरना चाहिए। अभी भी यहाँ का लोगों का किसी से आप पूछे, कोई किसी का ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं है, कोई 12th कम्प्लीट नहीं है, कुछ छोटे छोटे लोग हैं बाहर कमाने चले जा रहे हैं, इसी बात से थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? आप क्या सोच रहे हैं आगे? हम तो JPSC के लिए ही सोच रहे हैं आगे, मेरा एम भी वही है। तैयारी कहाँ करेंगे जब? तैयारी तो अभी हम यहीं ऑनलाइन ही करते हैं लगभग, अभी घर पे ही करते हैं। और कोई कोचिंग के लिए या कोई ऐसा संस्थान जहाँ जाने के लिए इच्छुक पहुँच जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं या यहाँ नहीं है वैसा? यहाँ तो भुरकुंडा में अगर ऐसा खुल जाता है तो और भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया बात, क्योंकि यहाँ का लोग उतना डेवलप हुआ नहीं है अभी तक जैसा होना चाहिए। और के मुकाबले क्या कहेंगे युवा मतदाताओं से? युवाओं मतदाताओं से कहेंगे वोट अपना वहीं पे दीजिए जहां आपको सबसे अच्छा रहे, कि हमारे भुरकुंडा को थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सके, ना कि नीचे डाउन, ताकि झारखंड जानी रहे कोयला का ज़्यादा है, सब यहाँ घुसखोरी ज़्यादा चलता है भुवनेश्वर का, उसी को अपना MLA चुनिए या फिर उसी को अपना CM बनेगा, ताकि झारखंड को और ऊपर को लेके जाए, क्योंकि झारखंड को अपना अच्छा कोई अब तक जानता है भी नहीं। क्या लगता है कि इस बार फिर से हेमंत सरकार या फिर कुछ बदलाव होगी? बदलाव होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, और उनको भी थोड़ा सा अपेक्षा होगा कि और अच्छा करे सरकार। क्या नाम है? मेरा नाम रजत कुमार। कौन सा गांव में रहते हैं? तो चेनगड्डा में मैंने कितना रोजगार या शिक्षा का क्या साधन है? थोड़ा बहुत है, वो BJP के सरकार ही किया है, बाकी झारखंड सरकार अभी तो जो हमारी सरकार है वो नहीं किया। आपका क्या नाम है? यमुना। तो क्या अपेक्षा करेंगे किस बार, कैसी
विधायक को सुनना चाहेंगे, कैसे MLA को सुनना चाहेंगे? इस बात तो रोशन चौधरी को क्यों ऐसा है कि रोशन चौधरी कानपुर से फिर भाजपा में आ गए और अंबा प्रसाद तो पहले से विधायक की काफ़ी मतलब है कि विधायक नहीं रहने के बावजूद भी क्षेत्र में घूमते हैं और काम करते हैं। क्या जो मौजूदा विधायक थी अंबा प्रसाद वो आपके चनगट्टा क्षेत्र में नहीं घूमते थे? घूमते हैं लेकिन बहुत कम काम और जो मई योजना है तो मतलब सरकार बैठी उस समय चालू करना चाहिए तो 2 महीना बचा उसके बाद मई योजना चलू। इससे आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार जो हेमंत सरकार है वो क्या अच्छे काम कर रही है? वो प्रलोभन दे रही है। और क्या क्या सोच रहे हैं इस बार की लोग कैसे लोगों को सुने? अच्छे लोगों को तो जो झारखंड को अच्छा विकास करे। क्या अभी तक झारखंड का विकास नहीं हुआ? विकास अभी कहाँ विकास पार्टी। आप क्या काम करते हैं? अब हम कृषि काम करते हैं। तो और घर में कैसे रोजगार का क्या पाते? मोदी अभी किया है सोलर पैनल तो जिससे सिंचाई कर रहे हैं। और कोई सिंचाई का साधन जैसे पानी वगैरह इस सब का सिंचाई करना? अभी अभी तो नहीं हुआ है, अब सरकार बनेगी उसके बाद बिजली बिल भी माफ़ कर दी। ठीक है, चुनाव का जोर शोर से लगा हुआ है और सड़क निर्माण के भी कार्य किया जा रहा है जो बोला गया था जयराम का। बिजली बिल भी माफ़ कर दिया। ठीक है, और भैया सम्मान योजना का भी तहत देखा गया कि आप किस गांव में रहते हैं? हम लादी गांव में रहते हैं। तो लादी में कितना विकास देते हैं आपको बता? लादी में भी सड़क निर्माण बोला गया था, सड़क निर्माण स्टार्ट प्रारंभ हो गया है, काम इसका चालू हो गया है, लगता है इस साल का तक खत्म हो जाएगा, विकास तो हो रहा है। तो आपका केवा मतदान है इस बार का? ये दूसरा मतदान है। तो इसके पहले भी मतदान किए? इससे पहले मतदान किए। क्या कौन सा मतदान था? वो था सांसद सांसद का था। ठीक है, गांव में जो विकास हुआ, गांव में जो शिक्षा स्वास्थ्य है जो भी और मूलभूत समझ जरूरतें हैं क्या वो सभी पूरी हो रही है? कुछ पूरी हो रही है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरी हो रही है। सड़क का बात किया गया, थोड़ा थोड़ा सड़क का काम किया गया। ठीक है, और 21 लाइट कहीं कहीं लगा दिया गया, जैसे लाइट उसको बिजली प्रॉब्लम था कहीं कहीं 21 लाइट लगा दिया गया, बिजली की समस्या थोड़ा थोड़ा किया गया। तो और क्या और बदलाव होना चाहिए, क्या और जरूरत है जो ठीक होना चाहिए? गाँव में जरूरत यही है कि बिजली पानी वानी की सुविधा थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अपने यहाँ नल का भी पानी जो था एक टाइम पानी देता था, उसके पानी अगर पानी पहुँचाया तो गया। ठीक है, और लेकिन एक ही टाइम पानी दे रहा है, 2 टाइम देना चाहिए, यानी सुबह या शाम 1 घंटा देना चाहिए, 2 टाइम नहीं दिया जा रहा। क्या चीज़ से पानी मिलता है आपको? पानी जैसे मोटर बड़ा वाला पंप आता है ना, हम लोग का सबसे घर घर पानी पहुँचाया जाता है, सप्लाई होता है, सप्लाई हो रहा था। सरकार की जो पानी योजना जल योजना घर घर पहुँच रही है और वो जो है 2 टाइम एक टाइम में तो पानी खत्म हो जाता है, दूसरा टाइम कम से कम 2 टाइम उसका होना चाहिए। गांव में कौन से गांव में रहते हैं आप? कमा रहते हैं। तो कितना क्या विकास का काम हुआ, क्या अधूरा कार्य रह गया? अभी तो बहुत अधूरा है मस्तमान बाबू, कोई रोड अभी नहीं बना है, पूरा गड्ढा अधूरा है, कुछ नहीं बना है। तो मंदिर के बोला वो भी नहीं बना दिया, हम लोग अपना से बना लिए बजरंग बली मंदिर, गणेश मंदिर ने बोले वो भी नहीं बना दिया। और क्या समस्याएं हैं कैसे विधायक को चुनेंगे इस बार बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से? 13 नवंबर को आप लोग मतदान करेंगे, अब देखा जाएगा किसके चुनागा से। अभी क्या लगता है कि इस बार फिर से मौजूदा विधायक अंबा प्रसाद ही जीतने वाली हैं, उनको ही लोग लाएंगे या आप लोग ला रहे हैं, या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? वही तो जीतवाए कहा पूछने के लिए, जीतवाए हम बोले तुम ऐसे जाओ जीत गया वोट मारे, बोले कि जीत गया, देखो जीत गया। लेकिन एक आदमी बोला कि मैं ऐसे चापा कर लूँ, 50,000 मांगा कौन मांगा वो है डॉक्टर, तो फिर चापा कर आप लोग के गांव में लगा नहीं लगाया, फिर अपने से मरवाया, फिर चापाकल गांव के लोग अपने से लगा नहीं, वो घर जगह मांग रहा था, वो जगह आने जाने का रोड है तो बोला कि आने जाने वाला अभी पिएगा, हमारा भी सुविधा हो रहा है। बालू का इतना भयानक चोरी हो रहा है, यही सब रात को हवा से बालू जाता है और गांव में ट्रैक्टर से बालू नहीं मिलता, ऐसा स्थिति है। और इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए,
और इस बार इसलिए यहाँ की मांग भी है कि बड़का गांव विधानसभा बदला होगा और इस बार कमल का फूल खिलेगा। विकास की बातें हो रही है, विकास का आपका कहना है कि कई तरह का भ्रष्टाचार है बड़का गांव में, तो केवल भ्रष्टाचार को लेकर ही आप लोग बदलाव के मूड में हैं कि और भी इससे कुछ जुड़ी बातें हैं कि कुछ अधूरी रह गई? शिक्षा के मामले में भी झारखंड सरकार द्वारा जो प्रतियोगिता लिया गया उसको ले तो लेता है, उसके बाद फैल कर देता है, समझा ना, ये भी कम नहीं होती। और इसी के सरकार ने बोला कि बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार लोगों को 2000 देंगे और वो काम करने का काम नहीं किया। आज नौजवान भटक रहे हैं पढ़ लिख के, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान से ला के यहाँ बहाली कर रहा है, यहाँ के नौजवानों को भविष्य के साथ खेला जा रहा है, नौकरी दे दिया जा रहा है। इसीलिए पूरे झारखंड में बदलाव होना चाहिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। हमारे क्या नाम? मदन मुंडा। कैसे आना जाना करते हैं? पट्टी लगाए हुए बांस से, पटरी से आना जाना करते हैं। कितना आबादी है आपके गाँव? ज़्यादा नहीं, वहाँ सबसे। तो कौन सा समाज के लोग रहते हैं? हाँ, सभी समाज के लोग हैं। तो नेताजी वहाँ जाते हैं कि नहीं, विधायक बनने के बाद? फिर जाते हैं, लेकिन देख कहते हैं बना देंगे, लेकिन नहीं बनाते। अभी विधानसभा का चुनाव है और आने वाला 13 नवंबर को आप लोग मतदान करेंगे, अभी तक कोई वहाँ मतदान वोट मांगने के लिए आप लोग को गए थे कि नहीं? क्या कहें आप लोग? हम लोग कहें कि हम लोग को जितना कमी उत्सव होना चाहिए, जितने बार जिसके फिर मटिया मर जाइए। कौन कौन गया आप लोग के गाँव? बहुत सब ही आशा नहीं मिलती है। तो क्या इस बार जो है बड़का गांव में आप लोग बदलाव करेंगे कि फिर से वही विधायक मैदान में उतरे वही आ रहे हैं या फिर बदलाव होगा? बदलाव करेंगे। मैं इस वक्त भुरकुंडा टेकर स्टैंड के समीप खड़ा हूँ और यहाँ एक गूंजे की दुकान है जहाँ पर गूंजे वाले भैया मौजूद हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे कि इस बार बड़का गांव विधानसभा चुनाव में किनका पल्ला भारी होने वाला है? किनका पल्ला भारी होने वाला है? बीजेपी। कैसे, क्या काम अधूरा है, क्या विकास को लेकर क्या बातें हैं? आप वोटरा सर होने वाला सकते तो कहाँ मतदान करते हैं वोट देने? कहाँ देने के लिए मतदान करेंगे? क्या नाम है आपका? रविंदर साहब।